लोग अयोध्या जा रहे हैं, कौन कौन लोग जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। उनका आरोप गलत है। हम लोग महादेव के भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ के स्थान से आते हैं जहां हर हर महादेव होता है, और निश्चित तौर से हम लोग 15 तारीख को मकर संक्रांति का दिन है, उसी दिन सूर्य भगवान 9:13 पर उत्तरायण होंगे और 9:15 पर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से, मैं, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, हमारे प्रमोद तिवारी जी, पीएल पुनिया जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण, हम सब लोग यहां से प्रस्थान करेंगे अयोध्या नगरी के लिए। वहां चलकर सरयू में स्नान होगा मकर संक्रांति का, उसके बाद रामलला का दर्शन होगा, उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर जय जय सिया राम करते हुए वो कारवां आगे बढ़ेगा। ये तो बीजेपी के अस्तित्व पर सवाल उठता है कि आज ये खरमास का महीना चल रहा है और खरमास के महीने में सनातन धर्म में कहीं पर भी कोई शुभ काम नहीं होता। ये इस खरमास के महीने में अक्षत रोली बांट रहे हैं, इस खरमास के महीने में उस भगवान के मंदिर का निमंत्रण बांट रहे हैं। हमारे यहाँ निमंत्रण भी नहीं बांटा जाता, ये खरमास के महीने में सारे अक्षत रोरी और निमंत्रण बांट रहे हैं। इनके अस्तित्व पर सवाल है कि ये सनातन धर्म को मानने वाले हैं या केवल इवेंट मैनेजमेंट करने वाले। इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल है, अखिलेश यादव ने भी ये बात कही कि अगर भारत जोड़ो यात्रा अगर उसकी शुरुआत के पहले सीटों का बंटवारा हो जाता है तो कांग्रेस को ज्यादा, भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा। अभी उसका जवाब हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने दिया है कि वो खुद उसके सदस्य हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपनी बात उनको खुद उस फोरम पे करनी चाहिए जिससे उसका निश्चित तौर से उसका समाधान हो जाए। नहीं, उस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो बात कर रहा है, उस पर समन्वय समिति बनी है, वो बात कर रही है।